जैसा आप सभी को पता है, कोविड 19 से निपटने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी, परंतु साथ ही जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक SOP केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर, जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज़ में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम कोविड 19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है, उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में, जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी, वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं, कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है, ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद।